साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों दो प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनको यदि हम बैलेंस कर लेते हैं, देखिए अगर आपकी जिंदगी में कर्ज की समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो यहां पर कहीं ना कहीं आपके मंगल जिम्मेदार हैं। और इसके अलावा एक प्लैनेट जो होता है जिसके कारण धन में वृद्धि होती है, लग्जरीज आती है, धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, वो होते हैं वीनस। और इन दोनों के कुछ खास टाइम होते हैं, ठीक है। आज की मैं आपको रेमेडी दे रहा हूं दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक है। कुछ खास समय होते हैं, अगर इन प्लैनेट्स के कुछ खास समय पर हम कुछ चीजों को यदि अपनी बॉडी में लगा लेते हैं, कुछ चीजों को जला देते हैं, या कुछ चीजों को खा लेते हैं, या कुछ चीजों को कहीं रख देते हैं, तो ये प्लैनेट क्या होते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देते हैं। और जब ये दो प्लैनेट बैलेंस होकर के पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करते हैं, तो हमारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, सारे रिमूव हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, 100 या 1000 या 1,00,000 जितनी भी परेशानी कह लें, ठीक है, सभी को छोड़ करके सबसे बड़ी एक परेशानी आती है, वो है पैसा। अगर आपकी लाइफ में पैसा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी 1,000 परेशानियां भी छोटी पड़ जाएंगी। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आपकी एक छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी बन जाएगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, पैसे से हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, वहां भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि किसी आपको कपड़े चाहिए, खाना पीना चाहिए, भोजन चाहिए, कहीं जाना है आपको, घूमना है, फिरना है, अपने कभी कोई भी गोल्स आपको अचीव करने हैं, सपने सच करने हैं, बच्चों की फीस देनी है, हर चीज में पैसा ही सबसे सामने आता है ना। तो कोई भी अगर परिस्थिति खराब होती है, कोई भी प्लैनेट अनबैलेंस होता है, तो सबसे पहले आपके जो फाइनेंस कंडीशन होती है इस पे अटैक करते हैं। क्योंकि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो ऑब्स्टिकल्स अपने आप लग जाएंगे, परेशानी अपने आप लग जाएंगी। तो मैं आपको दोस्तों छोटा छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, अगर इसको आप अपनी दैनिक जीवन में मतलब शुरू कर देते हैं, कोई आपका खर्चा नहीं लगना है इसमें, ठीक है। लेकिन इसको यदि अपनी जिंदगी में आप इसको शामिल करते हैं, तो ज्यादा नहीं दोस्तों 11 से 21 दिन में इसका चमत्कारिक रूप से आप इसका रिजल्ट खुद देख पाएंगे। क्योंकि देखिए, कर्ज की समस्या अगर आपको है तो आपको मंगल को बैलेंस करना पड़ेगा। और मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं कि कभी भी दोस्तों एक रुपए की भी जरूरत पड़ जाए, मंगलवार के दिन में कभी किसी से आपको उधार नहीं लेना है। क्योंकि मंगलवार के दिन में यदि आप कर्ज लेते हैं तो जिंदगी भर ये कर्ज चुकता नहीं है। कर्ज के जिम्मेदार होते हैं दोस्तों दो ग्रह होते हैं, एक तो होता है शनि और दूसरे होते हैं मंगल। तो कभी भी शनिवार के दिन में, मंगलवार के दिन में कितनी भी जरूरत पड़ जाए, आपको कर्ज कभी भी नहीं लेना है। और हाँ, कभी भी अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप क्या करें कि जब भी कंडीशन बने तो आपको कर्ज चुकाने की जरूरत, मतलब कंडीशन बन जाए, इतना पैसा आपके पास में आ जाए कि लोन वगैरह लिया है, कर्ज चुकाने की कंडीशन आ गई है, तो मंगलवार के दिन में चुकाएं और शनिवार के दिन में ही चुकाएं। इससे आपका कर्ज जल्दी उतरेगा। और मंगल को बैलेंस करने के लिए दोस्तों एक मैं आपको फ्रूट बता रहा हूं, अगर ये आप खाना शुरू करते हैं मंगलवार और रविवार के दिन में, तो आपके सूर्य भी बैलेंस हो जाएंगे, मंगल भी बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। बीट जो होता है, जिसे कहा जाता है चुकंदर, ये एकदम रेड होता है, ब्लड जैसे इसका कलर लाल होता है, तो ये फल जो होते हैं ये मंगल से और साथ में आपके सूर्य से जुड़े हुए होते हैं। तो मंगलवार के दिन में और रविवार के दिन में इन दो फ्रूट्स को आप घर लेकर के जरूर आए, और इनका सेवन यदि आप करते हैं, इनका जूस बना सकते हैं, या फिर इनको कट करके इनकी सैलेड वगैरह बना सकते हैं, और सूर्य रविवार के दिन में और मंगलवार के दिन में इनका यदि आप सेवन करते हैं, तो ये दोनों जो प्लैनेट है आपके, ये आपको शुभ फल देंगे। सूर्य जो होते हैं राजयोग बनाते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि कराते हैं, और साथ में मान सम्मान में वृद्धि कराते हैं, इंसान की ख्याति बढ़ती है ना। और मंगल जो होते हैं आंतरिक ऊर्जा एक्टिवेट करते हैं, आपके अंदर एक उत्साह, एक जुनून दिलाते हैं, भूमि भवन संबंधित कोई परेशानी वो दूर करते हैं, कर्ज की समस्या दूर करते हैं, आपके खुद के घर के योग बनाते हैं, धन के योग बनाते हैं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स यदि दोस्तों हम यदि फॉलो करते हैं, तो हमारी जिंदगी में कोई रेमेडीज, बड़ी रेमेडीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आज की जो मैं रेमेडी आपको बता रहा हूं, ये आपको करना है गुड़ से और शहद से, थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको, बस इनका जो समय जो होता है, यानी कि मंगल का जो समय होता है वो सुबह का होता है, और शुक्र का जो टाइम होता है, जो बेला इनकी होती है, देखिए प्लैनेट्स की जो एक समय होता है, इनका खास समय जो होता है, उस समय जब कोई प्रयोग करते हैं
तो रिजल्ट बेस्ट एंड बेस्ट आता है। मंगल का समय होता है सूर्योदय से पहले, और शुक्र का समय होता है जो शुक्र बेला जो होती है वो होती है सूर्यास्त के बाद, है ना। तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कभी भी कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा तो आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, वो जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों एक खास बात की देखिए, अगर आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट अनबैलेंस है तो आप कोई भी रेमेडीज करते हैं उसका रिजल्ट यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या फिर कोई प्लैनेट ऐसा है जो अनबैलेंस होने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यदि उस प्लैनेट के हिसाब से कोई रेमेडीज की जाती है तो 100% रिजल्ट आता है। ऐसी कंडीशन में यदि मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है, आपकी हर एक समस्या का 100% सोल्यूशन दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे, 5 से 7 दिन में देख पाएंगे। यदि कर्ज बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, या फिर ग्रह कलेश ज्यादा है, कर्ज बहुत ज्यादा है, या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी का सोल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। आप अपना बर्थ चार्ट चेक करा लीजिए, बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई रेमेडीज की जाती है 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि जो प्लैनेट होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, है ना। और घर में यदि किसी प्रकार की बंदिश होती है, तंत्र मंत्र टोना टोटका किया कराया, ऐसी कोई क्रिया होती है, वास्तु अनबैलेंस होता है, तो भी आप कोई उपाय करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि रेमेडीज वर्क ही नहीं करती है। तो घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, घर में बंदिश हटा करके घर में प्रोटेक्शन चाहते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा विधि चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, आपकी 100% हेल्प की जाएगी, ठीक है। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है, आप व्हाट्सएप में जाकर के, छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है कंसल्टेशन मुझसे कर सकते हैं और समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मंगलवार में सूर्योदय से पहले अगर आपने इसको दिनचर्या बना लेते हैं, जिंदगी में कभी भी दोस्तों आपके कितना भी बड़ा कर्ज है वो तो उतरेगा, ठीक है, साथ में कभी पैसों की कमी नहीं आएगी, धन ऐश्वर्य, और साथ में दोस्तों ये आप इतना रामबाण सिद्ध हो पाए हैं कि इसके अलावा धन संबंधित और भी जो परेशानी आपकी चल रही है, आपको ऐसा लग रहा कि दुर्भाग्य बिल्कुल अब पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, सभी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, हर कार्य में असफलता मिल रही है, तो समझ लीजिए कि ये प्रयोग करने के बाद में आपको जिंदगी में हर जगह सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। पैसे तो आएंगे, टिकेंगे, रुकेंगे, बेरोजगार है रोजगार मिलेगा, साथ में आपका गुड लक आपका साथ देने लगेगा। तो 9 पीस छोटे छोटे से गुड़ के आपको ले लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले कहा गया ज्योतिष शास्त्र में कि गुड़ के 9 पीस सूर्योदय से पहले यदि आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर बहता हुआ जल नहीं है तो कोई नदी, तालाब, पोखर देख सकते हैं, कोई कुआं देख सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। अब ये भी अगर अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ी से 9 पीस गुड़ के पानी में डाल करके इनको घोल करके और किसी भी वृक्ष के नीचे, छायादार कोई वृक्ष हो, जैसे आम का, अशोक का, इन वृक्षों में आप इसको डाल सकते हैं, तो इससे भी इसका बहुत ही चमत्कारिक रूप से परिणाम देखने को मिलता है, ठीक है। ये करेंगे प्रयोग आप सूर्योदय से पहले हर मंगलवार को, यदि आप करते हैं सूर्य उदय से पहले, यानी कि मंगल की जो बेला रहेगी वो बहुत ही पावरफुल होती है सूर्योदय से पहले। अब दूसरा आपके वीनस यानी कि शुक्र, शुक्रवार के दिन में शहद को कहा गया है, शहद को जो आप 6 चम्मच शहद ले लें, ठीक है, और इसको बहते हुए जल में प्रवाहित करते रहें। शुक्रवार को सूरज ढलने के बाद, यानी कि सूर्य पूर्ण रूप से अस्त हो जाता है, पूरे आसमान में कालिमा छा जाती है, तब इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अपनी धन संबंधित, कर्ज संबंधित परेशानी या जो भी परेशानी है, सारी की सारी परेशानी को दूर करने के लिए। अब यहां पर भी ये ऑप्शन आता है कि अगर नदी बहता हुआ जल नहीं है तो नदी, तालाब, पोखर, इनके अलावा कुएं में डाल सकते हैं, 6 चम्मच शहद डाल सकते हैं, है ना। अब जिनके पास में ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों को किसी पात्र में 6 चम्मच शहद डाल करके इसको घोल करके मिक्सर बना करके और किसी भी छायादार वृक्ष में सूर्य ढलने के बाद में, छायादार वृक्ष होने चाहिए, कांटे वाले ना हो और कोई पवित्र वृक्ष हो, उसके नीचे आप डालना शुरू कर दीजिए।
शुक्र और मंगल दोनों आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और जो भी लाइफ में परेशानियां चल रही थी कर्ज की या जो भी ए टू जेड परेशानी आपकी, सारी की सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। दुर्भाग्य टोटली आपका पीछा छोड़ देगा अगर आप इनको नियमित रूप से करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे से प्रयोग हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, है ना। अब लाइफ में जो योग बनते हैं, जो भी घटित होता है, वो ग्रहों के योग की वजह से होता है, और ये ग्रह यदि अच्छा योग बना रहे हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन ग्रह यदि अच्छा योग नहीं बना रहे, अशुभ फल दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ परेशानी लाइफ में लगी रहती है। तो ये छोटे छोटे से प्रयोग दोस्तों आजमा करके देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन जब आप इसको आजमाएंगे, अपनी जिंदगी में उतारेंगे, अमल करके प्रयोग करेंगे, तब इसका कुछ चमत्कारिक रिजल्ट दिखाई देगा। तो एकदम पॉजिटिव होकर के विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करके देखिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि जानकारी को ढूंढ कर लाने में, एपिसोड बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने में काफी मेहनत लगती है। तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें। और आप लोग लाइक करते हैं दोस्तों, तो होता क्या है कि ऐसे और लोगों को जिनको इस जानकारी की नीड होती है, तो यूट्यूब ऐसे लोगों को रिकमेंड कर देता है। तो आपके एक लाइक करने से और लोगों तक जानकारी पहुंचेगी, तो लाइक जरूर करें, क्या करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, ये जरूर लिखा करें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं। घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से रेमेडी को करेंगे, तो ब्लेसिंग्स ही देंगे, दुआएं देंगे आपको, ठीक है। तो शेयर जरूर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, पर बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी करना चाहते हैं, या फिर फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, 100% आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।